दोस्तों भले ही टीम इंडिया वर्ल्ड कप हार चुकी है, लेकिन टीम इंडिया जो कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बदला ले सकती है, जो कि 5 T20 मुकाबले खेले जाने वाले हैं, अब वो 23 तारीख से शुरू हो रहा है। दोस्तों उसका जो स्केड्यूल है उसके बारे में, लाइव टेलीकास्ट के बारे में और स्ट्रीमिंग कहां होगा उसके बारे में, टीम इंडिया का जो स्क्वाड है वो अनाउंस हो गया है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ T20 सीरीज के लिए, उसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा और कितने बजे शुरू होगा उसके बारे में भी। दोस्तों वीडियो एंड तक देखना। तो दोस्तों सबसे पहले स्केड्यूल के बारे में बात करें तो दोस्तों 5 T20 मैचों की सीरीज की बात करें तो सबसे पहला मुकाबला जो कि 23 नवंबर को खेला जाएगा वो खेला जाएगा विशाखापट्टनम में खेला जाएगा। इसके बाद जो दूसरा मुकाबला है 26 नवंबर को तिरुवनंतपुरम में खेला जाएगा। इसके बाद दोस्तों तीसरा मुकाबला जो कि गुवाहाटी में खेला जाएगा 28 नवंबर को। और दोस्तों ये चौथा मुकाबला जो कि 1 दिसंबर को नागपुर में खेला जाएगा। दोस्तों पांचवा मुकाबला जो कि 3 दिसंबर को हैदराबाद में खेला जाएगा। और दोस्तों जो नागपुर और हैदराबाद का जो मुकाबले है उसका जो वेन्यू है वो चेंज हो सकता है। दोस्तों लाइव टेलीकास्ट की बात करें तो टीम इंडिया का जो ऑस्ट्रेलिया की जो सीरीज है उसका जो लाइव टेलीकास्ट है वो स्टार स्पोर्ट पर नहीं दिखाई देगा। टीम इंडिया के जो होम मैचेस के जो राइट्स है वो स्पोर्ट्स 18 ने खरीद लिए हैं, जो कि लाइव टेलीकास्ट के उसके लिए स्पोर्ट्स 18 पर टीम इंडिया की जो सीरीज है 5 T20 मैचों की ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वो आपको स्पोर्ट्स 18 पर टीवी पर हमें देखने को मिलेगी। और दोस्तों बता दें कि लाइव स्ट्रीमिंग की बात करें तो लाइव स्ट्रीमिंग जो कि जियो सिनेमा पर आप देख सकेंगे। और दोस्तों मैचेस के जो टाइमिंग है वो शाम को 7 बजे यह सभी मुकाबले शुरू होंगे। इसके बाद दोस्तों अब टीम इंडिया के स्क्वाड की बात करें तो टीम इंडिया के स्क्वाड में कई ऐसे बदलाव हुए हैं जो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कप्तान की। तो दोस्तों टीम इंडिया का जो कप्तान T20 मुकाबलों में होने वाला है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वो है सूर्य कुमार यादव। दोस्तों सूर्य कुमार यादव जो कि T20 मुकाबलों में अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं इसलिए उनको कप्तान चुना गया है। रोहित शर्मा और विराट कोहली, KL राहुल जो कि कई ऐसे अन्य खिलाड़ी है जिनको आराम दिया गया है। जो वाइस कप्तान के तौर पर है वो है ऋतुराज गायकवाड़। दोस्तों ऋतुराज गायकवाड़ जो कि एशियन गेम्स में अच्छा परफॉर्मेंस करके आए थे और गोल्ड मेडल भी जीता था, लेकिन दोस्तों ऋतुराज गायकवाड़ को इस बार वाइस कप्तान के तौर पर रखा गया है। और दोस्तों बात करें तो जो लास्ट वाले जो दो मुकाबले हैं जो नागपुर और हैदराबाद में खेले जाने वाले हैं उसमें श्रेयस अय्यर जो कि इस स्क्वाड को ज्वाइन करेंगे एज अ वाइस कप्तान के तौर पर। और दोस्तों इसके बाद अगले वाले खिलाड़ियों की बात करें तो पहले विकेट कीपर के तौर पर ईशान किशन को रखा गया है। इसके बाद यशस्वी जायसवाल, तिलक वर्मा, रिंकू सिंह, जितेश शर्मा, यानी कि दोस्तों ऐसा कह सकते हैं कि संजू सैमसन को इस स्क्वाड में जगह नहीं दी गई है। यानी कि दोस्तों ऐसा कह सकते हैं कि जो ICC T20 वर्ल्ड कप जो खेला जाने वाला है 2024 में तो वहां पर जो कि संजू सैमसन टीम इंडिया की ओर से खेलते हुए नजर नहीं आ सकेंगे। संजू सैमसन को बाहर कर दिया गया है उसकी वजह से। मुझे ऐसा लगता था कि इस T20 सीरीज में जो कि संजू सैमसन को जगह दी जानी चाहिए थी, उनको वर्ल्ड कप में भी मौका नहीं मिला था और यहां पर भी मौका नहीं मिला है इसलिए। इसके बाद दोस्तों बात करें तो वॉशिंगटन सुंदर और अक्षर पटेल जो कि स्पिनर की भूमिका निभाएंगे या फिर ऑलराउंडर भी कह सकते हैं। इसके बाद दोस्तों बात करें तो अक्षर पटेल जो कि वर्ल्ड कप में बाहर हो गए थे, वर्ल्ड कप से बाहर हो गए थे इंजरी की वजह से, लेकिन वो फिट हो गए हैं और T20 सीरीज में वो वापसी कर रहे हैं। इसके बाद दोस्तों बात करें तो शिवम दुबे जो कि एज अ फास्ट ऑलराउंडर के तौर पर वहां पर खेलते हुए नजर आएंगे। रवि बिश्नोई जो कि एक और स्पिनर है। इसके बाद अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा, आवेश खान और मुकेश कुमार। दोस्तों यह टीम इंडिया का स्क्वाड होने वाला है जिसमें कि दोस्तों बात करें तो अर्शदीप सिंह है, उनकी टीम जो कि सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में जीती है और दोस्तों उनका जो परफॉर्मेंस था वो भी काफी अच्छा रहा था इसलिए टीम इंडिया में इस बार उनको भी मौका मिला है। तो दोस्तों ऐसा कह सकते हैं कि ये टीम काफी बैलेंस नजर आ रही थी, लेकिन संजू सैमसन को लिया जाता तो अच्छा रहता। तो दोस्तों इसके बारे में आपका क्या कहना है वो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना क्योंकि मैं ऐसी वीडियो लेकर आता रहूंगा।